काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ना यार मैंने काम करना था, तो उसके लिए मैं ना एक काम करने के लिए मैंने ना चीज़ें ले गया था कुछ, वो बाइक पर लगा दी थी, तो सामान तो सारा मैं ले रहा था, लेकिन ना कुछ चीज़ें अभी लगानी, कुछ सुबह लगाएंगा, तो अभी पहले मैं बता दूँ क्या क्या लगाना मैंने। तो जी ये आपने देखी होगी कि ये पट्टी जो सी थी पुरानी वाली तो फट गई थी पट्टी सारी, तो अभी नहीं लगानी है, नहीं पर मैं ब्लैक कलर की स्प्रे ले गया था, तो ये उतार के लगानी है। इसका मुश्किल काम यही है ना, इसको उतारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना इसकी साइड वगैरह नहीं लगी होती, वो हाथों पे जब लगती है तो ऐसी मतलब ना बहुत ज़्यादा चुभती है हाथों पे। तो ये देखो ना सारा जंग लगा हुआ सिलेंसर को नीचे से मैंने देखा हुआ, तो अभी पहले ना इसको उतारते हैं, और इसके अलावा ना इसके अलावा मैं और दो चीज़ें ले गया ना, वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ ये ताज ले गया था, इसमें एक और भी होगा, हाँ ये भी है इसमें एक और ताज, ये दो ताज मैंने लगा रहे हैं उसके ऊपर हैंडल के ऊपर। तो इसके अलावा ना मतलब ये लाइट जो सी ना, ये लाइट का सिस्टम जो था ये ख़त्म कर देना इस पर, ये लाइट भी मतलब ना ये ऊपर से उतार देनी है, ये लाइट रगड़ना है देनी है, ये उतार देनी मैंने, तो ये उतारने का सीन है, ये भी अभी उतार देंगे इसके, क्योंकि ना यार ये वाली लाइट की ना रोशनी तो है नहीं, ख़राब होगी मतलब रोशनी तो नहीं रही नहीं है इसकी, तो ये भी लाइट उतार देनी है, और ये सीकर उतार के ना इसमें वो होल्डर जो लगा होता है वो लगा के इसकी ओरिजिनल लाइट लगा देनी है। तो अभी पहले मैं ना आपको पट्टी उतार के दिखाता हूँ, ठीक है ना, तो अभी पट्टी उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उतारते हैं पहले। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج आप देखिए जरा ये क्या हालत हुई पड़ी इसकी, ये यहाँ तक ख़राब है, उससे आगे सारा टोटली ठीक है, क्योंकि इस पे साइड पे पट्टी ने ना लगाई हुई थी, क्योंकि जब चाचू ने शुरू में लिया था ना, ये पहले चाचू के पास होता था ना बाइक, तो उस चाचू ने शुरू में ही ना पर्पल पट्टी लगवा ली थी इसमें, तो तब से ही जंग लगा हुआ था, उसने मुझे कहा भी था, कहता भाई आप ना लगवाओ पट्टी, आप इसको रंग करवा लो, मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है पट्टी लगा दो, तो तब से तो सही चल रही थी, मैंने कहा यार ख़राब हो तो कोई बात नहीं, अब नया लगवा लूँगा। तो अभी तो यार फिलहाल इसको जितनी देर चलाया जा सकता चलाया ना, अभी पहले यार इसे जंग उतारता हूँ यहाँ से थोड़ा थोड़ा जितना उतर सकता, उसके बाद ये ना जमा हुआ ये पानी सारा आगे यहाँ पर जम जाता था, तो ये उतारता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर मैं क्या करना है, अभी लगानी है सुबह लगानी, मेरा दिन मन रहा अभी लगा लेता हूँ, क्योंकि ये जो सी साइड ना ये बड़ी मुश्किल खुली है, देखिए ये भी सारी जंग से भरी हुई है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये सारी जंग से बड़ी मुश्किल खुली है मुझसे, तो अभी पहले ना इसको बड़ी मुश्किल फिर भी खुल गई थी, तो उससे अलावा मैं अभी बताता हूँ, ये अभी सबसे पहले ना इसको जंग से साफ़ करते हैं, जंग साफ़ करते हैं, उसके बाद इस पर ना इसका पेंट तो अभी बचा नहीं होगा ब्लैक कलर का, तो नहीं बचा ब्लैक कलर का पेंट, तो अभी पहले ना इसको साफ़ करके मिलता हूँ, ठीक है ना। तो जी जितना ठीक हो सकता मैंने कर लिया, अभी पहले ना इस पर पट्टी चढ़ाते हैं वो ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली पट्टी ये बड़ी हुई है, इसके साथ भी आया हुआ है ऐसे का, तो ऐसे का इसके साथ भी आया, तो अभी ये निकालते हैं ना, उसके बाद इसको लगाते हैं, ये मुश्किल है क्योंकि ना इस पर तो इतना ज़्यादा चुभा नहीं था, लेकिन ये साइड चुभेगी क्योंकि ये नहीं हुआ बिल्कुल, तो शॉप पर लगा हाथ में लगा के उसके बाद करूँगा। यार देखो कितना जंग निकला, सिर्फ मुझे यही बात अफसोस होता है, सही बात बताता हूँ आपको, ये ना लगाया करो, ये देखो ना ये चीज़ जो होती चमक रही है ना ये वही है, अगर इसको आप हाथ पे लगाओगे ना यकीन मानो बड़ी दर्द होती है हाथ पे, तो ज़्यादातर मकैनिक ना ये चीज़ लेते भी नहीं है कि लगाते नहीं है खुद, कोई भी मकैनिक वो अपनी मर्ज़ी से पैसे मांगता होता है, मुझे याद है मैंने उस टाइम 200 रुपया 150 रुपया दिया था लगवाई का सिर्फ, तो अभी पहले इसको लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं क्योंकि मैंने सीख लिया था उसे कैसे लगाना, तो आप खुद ही लगाते हैं पहले। جمالنا
आपकी गाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो ये थोड़ा सा है यहाँ से कैंची से काट देंगे, बाकी सारा ओके है, इसको फेंकना है अभी। तो बाकी माशाल्लाह प्यारी लग रही है भाई यहाँ से। तो सिलेंसर का भी मैंने देखा है, सिलेंसर का थोड़ा इशू आ रहा है कि जो सा ना मतलब कंपनी का सिलेंसर है बहुत महंगा मिल रहा है, तो देखना पड़ेगा कंपनी का लेना है या वैसे ही लेना। अगर किसी को पता कौन सा सही है तो यार वो कमेंट में ज़रूर बताए, ठीक है ना। तो उसके अलावा सारा तो पहले हो गया था, थोड़ा सा यहाँ से मसला था, फिर मैंने दोबारा खोल के ना दोबारा सेट हुई है, तो उसमें टाइम लग गया। तो बाकी तो सारा ओके हो गया, बाकी चीज़ें जो सी है मैं सुबह ही लगाने का सोच रहा हूँ। ये लाइट के ना मैं सोच रहा हूँ कि ना इसमें होल्डर लगा के ना इसके आगे ये जो सा ये वाला स्टिकर नहीं है, मुकम्मल स्टिकर इसके आगे लगवा दूँ, वो भी सुबह देखेंगे क्या करना है। तो अभी तो जाके सोते हैं, तो उसके बाद सुबह मिलता हूँ, ठीक है ना आपको, ओके। और इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना नंबर प्लेट, यहाँ से ये वाली लोहे वाली काट के ना इसको नंबर प्लेट को थोड़ा नीचे कर दें, तो वो भी देखेंगे। पहले अभी जाके ना सोते हैं, उसके बाद आपको कल मिलता हूँ, ठीक है ना, ओके। The next day. तो जी अगला दिन शुरू हो गया, तो अगले दिन ना मतलब बाकी सारा मैंने लाइटें वगैरह तो लगवा लिया था, मैंने कहा यार वो आपको क्या दिखा रहा है, मैकेनिक से काम ही करवाया थोड़ा सा, तो मैकेनिक से मैं लाइटें वगैरह लगवा के ले आया था। उसके बाद ना आज जो सा मतलब मेन काम आ रहा है, जो सा बाकी रह गया, बाकी सारी गाड़ी तैयार हो गई है। तो उसके अलावा ना ये दो लगाने, ये फ्रंट वाली साइड पर लगाने, और ये जो से ना अगर आप देख रहे हो ये वाली जो साइड है, ये जो सी साइड है ना ये लगानी है, ये नट कवर है, नट के ऊपर लगते होते कवर ब्लैक रह गए, तो इसके साथ यू एच यू से लगाने हैं, ये एलपी के साथ ही लगाने हैं, क्योंकि एलपी के साथ दोबारा नट उतारना नहीं पड़ सकते, इस वजह से ना एलपी के साथ वो नट ख़राब हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें एलपी से लगवाएंगे, ये जो है ये ना ये यू एच यू से लगाएंगे, तो ये सारे पड़े हुए हैं, तो ये अभी पहले जाके ना लगाते हैं। ये मैं काफ़ी देर का लेके आया था, लेकिन ना मुझे याद नहीं रहा था, आज मुझे याद है, मैंने कहा यार ये भी साथ ही लगा देता हूँ, तो अभी पहले जाके ना सीधा इसको लगाते हैं। उसके पहले सबसे पहले एलफी ले गया, तो एलफी में बोल गया, पहले एलफी ले आ गया, ले गया तो एलफी ले गया आके आपको मिलता हूँ। तो जी ये लगा दी मैंने हर साइड पे, अभी मैं वीडियो बना सकता क्योंकि यार बड़े बनाई वगैरह आती जिसकी वजह से लेकिन बाइक भी सारी गंदी हो गई, अभी भी हवा वगैरह बहुत तेज हो गई, तो ये साइड पर हर जगह से मैंने लगा ली है। तो इसके अलावा मैं ये साइड पर भी लगाया, ये साइड पर भी और ये साइड पर भी, और मैंने एक बच गया था, मैंने कहा यार ये साइड पर लगाया तो ऐसी तरीके से। तो उसके अलावा एक ये साइड पे लगाया और उधर भी साइड पे भी लगाया, तो वो भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये भी साइड पे लगाया, एक ये साइड पे लगाया, और उसके अलावा ये इंजन की साइड पे लगाया मैंने टोटली। तो उसके अलावा बाकी और भी जगह नहीं मिली थी, मैंने बस पैसे भी खत्म हो गए थे, तो अब वो ताज रैंक लगाने वाले तो वो लगाता हूँ, इसी तरह दूसरी साइड पर लगाता हूँ, तो वो लगा के आपको सीधा मिलता हूँ, ठीक है। ये अब बताता हूँ आपको बाइक में क्या क्या करवाया था। एक तो ये पट्टी चेंज करवाई थी, उसके अलावा जो से ये कवर नहीं लगाए थे, नट कवर जो से होते हैं ये नहीं लगाए थे। इसके अलावा मैंने ना मतलब नंबर प्लेट का काम करवाना था, नंबर प्लेट का, लेकिन ना नंबर प्लेट का काम का मसला यही हुआ कि टाइमिंग था इतना है, तो इस वजह से नंबर प्लेट नहीं करवा सका था सही। तो इसके अलावा मैंने ये लाइट फ्रंट जो उसकी आपको मैंने बताया था, मैंने स्टिकर उसका उतार दिया था, अब इसमें न्यू स्टिकर लगवाया और अंदर बल्ब भी लगवा लिया। अभी मैं आपको उसका आगे चेक करवाता हूँ जरा, ये देखिए अब आ रही है ना रोशनी, और ये रेड लाइट लाइट जो उसकी है ना मैंने ये येलो के साथ करवा दी है, ये देखिए ये येलो लाइट चलने लगी है उसके साथ रेड के साथ, तो ये सारा मैंने सिस्टम करवा दिया था, मैंने कहा यार करवा दूँ साथ ही तो अच्छा ही लगेगा। उसके अलावा ना मतलब बैक लाइट पे मैंने ऐसे के स्टिकर लगवाया था, ये बैक लाइट पे मैंने लगवाया था स्टिकर, अभी नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन स्टिकर लगवाया था, काफ़ी ज़्यादा प्यार लग रहा था। तो ये ताज लगाए थे, बस अभी इतना काम ही करवाया था, तो बाकी काम अगली बार ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, व्लॉग को ना एंड कर देते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी नई से नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।